हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो कि आपके स्टडी में, आपके प्रिपरेशन में एक तरह से डिस्ट्रैक्शन का भी काम करता है और बहुत से लोग इसके शिकार होते हैं। बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अपना जो स्टडी टाइम होता है, जो गोल्डन टाइम होता है, उसको इन सब के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। तो मैं वो जो सेंसिटिव टॉपिक है वो है प्यार, मोहब्बत, विश्वास, धोखा और शक। ये सब क्या है, इसी पर मैं बात करने वाली हूँ। कहाँ से ये आता है, कहाँ से पनपता है और कहाँ तक जाता है, क्या है, कैसे है, मैं इसी पर बात करने वाली हूँ। जो मैं देखी हूँ लोगों को, उस बेस पर मैं एक्सपीरियंस की हूँ, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जिसे मैं एक कॉपी पर नोट डाउन की हूँ, आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये है, इसी में मैं नोट डाउन की हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। जो एज पढ़ने की तैयारी करने की होती है, वही एज प्यार मोहब्बत डिफरेंट जेंडर अट्रैक्शन की भी होती है। अगर बाय चांस आप गलती से गलत या दिखावे वाले पर्सन के अटैचमेंट में आ गए, तो आपकी पढ़ाई लिखाई, ज़िंदगी सब बर्बाद। आइए इसी की रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि विश्वास, धोखा और शक क्या होता है। विश्वास, धोखा और शक या क्रम अनुसार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, आइए जानते हैं। जब आप किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं, तो आप उस पर ना तो विश्वास करते हैं, ना धोखा या शक वाली फीलिंग्स आती है, क्योंकि आपको उससे कोई लगाव नहीं होता ना, क्योंकि आपका उस पर्सन से कोई लगाव नहीं होता है, इसलिए आपको उसके किसी भी अच्छे बुरे एक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही आप ध्यान ही देते हैं। तो फिर ये विश्वास, धोखा और शक जैसे वर्ड्स आते कहाँ हैं, आखिर कहाँ से आते हैं? आप तो बिल्कुल एकदम कोरे कागज़ की तरह होते हैं, आपके अंदर ये सब होता ही नहीं है। तो फिर ये आते कहाँ से हैं, कहाँ धीरे धीरे अंदर घर कर जाते हैं और आपको खुद ही परेशान करते हैं और आपकी बॉडी को खोखला कर देते हैं। आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने पढ़ाई लिखाई किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि आप जो एनर्जेटिक पहले अपने आप को फील करते थे, वो एनर्जी ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया है। आइए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। हमने एक वर्ड बोला था कि लगाव। ये जो लगाव शब्द है बहुत खतरनाक है। यदि सही व्यक्ति से आपका लगाव हो गया तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है, जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती है। और यदि ये लगाव बस दिखावा करने वाले व्यक्ति से हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी टेंशन और डिप्रेशन से भर जाएगी, जिसमें आप ना चाहकर भी उलझते चले जाते हैं। बट एक बात ध्यान रखें, हमेशा एक बात ध्यान रखें, उस टाइम आप खुद को मजबूत बनाएं, अपने स्टडी पर फोकस करें, अपने जो लक्ष्य है, अपनी मंजिल है, उस पर फोकस करें, इधर उधर भटके नहीं। आइए जानते हैं कि किसी से लगाव कैसे हो जाता है, फिर विश्वास, धोखा और शक की फीलिंग कैसे आती है, क्रम से इस पर बात करते हैं। किसी पर्सन से आप पहली बार मिलते हैं, उसके लिए आपके अंदर अच्छी बुरी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। बट यदि वह पर्सन आपसे बार बार बात करने की कोशिश करे, डेली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेज करे, अपनी चीज़ों को खुद शेयर करने लगे, आपको स्पेशल फील कराने की हर तरह से कोशिश करे, तो धीरे धीरे आपका उससे लगाव होना शुरू हो जाएगा। वो पर्सन इस तरह से बातें करेगा या करेगी कि आपको लगेगा कि वह पर्सन बहुत अच्छा है और हमेशा आपके हर परिस्थिति में साथ देगा, हमेशा खुश रखेगा आपको। उस पर्सन की वजह से आपको कभी दुख तो फील ही नहीं होगा, दुख तो बिल्कुल नहीं फील होगा, इतना आपको विश्वास हो जाएगा। और वो पर्सन आपको कहता भी है कि मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, मैं आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। आप सकता सकती, मैं एज ए गर्ल सकता बोल रही हूँ, आप अगर बॉय हो तो सकती भी कर सकते हैं, सकता जो भी हो, हम किसी पर्सनल एक पर नहीं, एक जेंडर पर नहीं बोल रहे हैं, ये दोनों जेंडर गर्ल एंड बॉय दोनों पर लागू हो सकता है। और वो पर्सन आपको कहता भी है कि मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, मैं आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। और यह सब बातें सुनकर आपका उस पर्सन से गहरा वाला लगाव हो जाएगा और यही लगाव विश्वास को जन्म देती है। तो लगाव से विश्वास आता है, तो यही जो लगाव है विश्वास को जन्म देती है। आप उस पर्सन पर अंधा विश्वास करने लगेंगे, या यूं कहें कि खुद से ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे, और उस पर्सन को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आप उस पर विश्वास करते हैं और मन से पूरी तरीके से उसके हो गए हैं और आपको उस पर्सन से बहुत उम्मीदें हैं,
उसके अच्छे बुरे हर एक्टिविटी से अब आपको फ़र्क पड़ने लगा है। स्टार्टिंग में आपको फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि आपको उससे लगाव नहीं था, लेकिन अब आपको उससे गहरा वाला लगाव हो गया है, इसलिए आपको अब उसके हर एक्टिविटी से फ़र्क पड़ता है। अगर वो अच्छा काम करता है तो आपको खुशी होती है, अगर आपके आपके उम्मीद के आपके मन के विपरीत करता है, जो आपको नहीं पसंद है, तो आपको हर्ट होता है, आपको दुख होता है। उसके अच्छे बुरे एक्टिविटी से अब आपको फ़र्क पड़ता है। फिर वह पर्सन साइलेंटली ऐसे एक्टिविटी को करना शुरू कर देगा जो आपको पसंद नहीं है। जब तक आप नहीं जानते रहेंगे, खुश रहेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। सोचिए, आपको पता चलेगा तो आप कितना हर्ट होंगे। अगर ऐसे कंडीशन में पता चले जब आप फिजिकली अनफिट हो, तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकता है, क्योंकि उसको ही आप अपना 100% दे दिए थे, या कहिए कि आप खुद में कुछ थे ही नहीं, आप सब कुछ उसको ही दे दिए थे, अपना 100% दे दिए थे। तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उससे आपको ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद टूटने से विश्वास टूटता है। विश्वास टूटने के साथ साथ आप खुद भी टूट जाओगे, और उसके बाद आपको धोखा वाली फीलिंग्स आएगी कि अभी तक वो पर्सन जो आपके लिए करता था या कहता था, क्या वह सब कुछ झूठ था, या उसकी हैबिट है कि ऐसे अन्य लोगों को भी इम्प्रेस करने की जैसे आपको इम्प्रेस किया। क्या वो उसकी हैबिट है? आपको ऐसा फील होगा, आपको लगेगा कि जो आप समझते थे कि आप उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो फीलिंग्स झटके में चकनाचूर हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आपको कुछ ऐसा अगर फील होगा तो वो बस आपको इम्प्रेस कर रहा था। स्टार्टिंग से ही आपको उसको आपसे कोई दिल से लगाव नहीं था। आपको ये सब फील होगा, लगाव होता ही तो वो दर्द क्यों देता। इस तरह से आपको विश्वास, उम्मीद टूटना और धोखा वाली फीलिंग्स आएगी, जो आप कोरा कागज़ की तरह थे। धीरे धीरे ये जो फीलिंग्स हैं, बैड फीलिंग्स हैं, घर करती जाएंगी, और यही फीलिंग्स आपको अंदर से खोखला करती जाएंगी, और जो आप मजबूत थे, धीरे धीरे आपको कमज़ोर करती जाएंगी। हो सकता है आप उससे बहस करें, रोएं फूट फूट कर, बट उसको हर्टली कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अभी तक आपके साथ क्या हो रहा था। जिसे आप सुकून समझते थे, वो सुकून था या भ्रम था। आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बट वो आपको कमज़ोर बनाकर दूसरे की बहादुरी का, दूसरे की गुणों का गुणगान करेगा कि वो वेस्ट हैं। तुम नहीं वेस्ट हो, तुम तो कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर लाख कमियां निकालेगा। फिर भी आप रोएंगे, आप हो सकता है डिप्रेस्ड भी हो जाए, और आपको इस चीज़ से निकलने में सालों लग जाएंगे, बट आपकी फीलिंग्स की उसे कद्र नहीं होगी, क्योंकि वो दिल से नहीं जुड़ा है ना। वो तो आपको इम्प्रेस कर रहा था, उसमें सक्सेस हो गया, बट आप दिल से जुड़ गए थे उसे। वो आपके दर्द को फालतू बोलेगा। फिर अगर वो थोड़ा रहम खाकर आपको सांत्वना देने की कोशिश भी करेगा, तो आप नॉर्मल इतना जल्द नहीं हो पाएंगे। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत टफ होगा, और इसी में शक जन्म लेता है। अगर वो लाख विश्वास दिलाने की कोशिश करे, वो जो विश्वास टूट गया है उसको जुड़ने में बहुत टाइम लगेगा, और उसी में शक जब घुस जाता है, तो वो जो विश्वास है वापस आने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से शक की एंट्री होती है। विश्वास टूटने के बाद और उस शक से आप ही परेशान होंगे। वो आराम से सोएंगे, अपना आराम से लाइफ एंजॉय करेंगे, लेकिन परेशान बस आप होंगे। हो सकता है वो पर्सन दिल का बुरा ना हो, दिल का बहुत अच्छा हो, बस आपके साथ बुरा हो गया हो उससे। इसलिए गाइज, आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपका जो स्टडी टाइम है, ओनली स्टडी पर ही फोकस करें, फालतू के प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें। मैं ये नहीं कह रही कि सब गलत होते हैं, सब गलत नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि सब गलत होते हैं, बट जिसके साथ ऐसा हो जाता है, उसकी मानसिक शांति वापस आने में सालों साल लग जाते हैं। इन सब चक्कर से दूर रहें, अपने खुशियों की चाबी किसी अदर पर्सन के हाथ में ना दें, नहीं तो ऐसे ही आप भी परेशान रहेंगे, कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा, आप ओनली अपना नुकसान करेंगे। बस अभी तक जो मैं बातें बताई हूँ, उससे जो अपनी यंग जनरेशन है, जो
युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है और कंफ्यूज रहती है, और जो स्टडी टाइम होता है, जो उसका अपना भविष्य बनाने का टाइम होता है, वो उसी को बर्बाद कर देता है और फिर डिप्रेशन वाली लाइफ जीता है, उसको डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आती है। इन सब से कैसे बचें कैसे नहीं बचें, इसीलिए मैं इसको डिटेल में एनालिसिस की हूँ, ताकि आप पहले से ही चीज़ों को जान लीजिए। कोई अगर आपको इम्प्रेस कर रहा है, आपकी बहुत केयर कर रहा है, आपकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों को नोटिस कर रहा है, आपकी खुशियाँ किस में हैं किस में नहीं, हर चीज़ के लिए आपके पीछे पड़ रहा है, आपको इम्पोर्टेंट फील करा रहा है, तो आप उसको ये खुश मत हो जाइए कि वो मेरे लिए ये कर रहा है वो कर रहा है, वो आपको कमज़ोर कर रहा है, वो कमज़ोर बनाने की तैयारी कर रहा है, और वो ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर वो इतना कमज़ोर बना देगा कि आप टूट जाएंगे, आप पूरी तरीके से दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे। तो खुद में स्ट्रांग रहिए, खुद को मजबूत बनाइए, खुद में एनर्जेटिक रहिए, खुद का साथी खुद बनिए, किसी पर डिपेंड मत रहिए, ना तो मेंटली ना तो फिजिकली, किसी भी तरीके से नहीं, आप खुद को स्ट्रांग बनाइए, मेंटली फिजिकली हर तरह से स्ट्रांग बनाइए, और अपने भविष्य पर फोकस करिए, अपने स्टडी पर फोकस करिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोगुना चौगुना मेहनत करिए। होप करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि बहुत से लोग इससे परेशान हैं। होप करती हूँ कि बहुत से लोगों को ये पसंद भी आएगा, बहुत लोग इससे परेशान हैं बट किसी से कह नहीं पाते हैं। चीज़ों को मैं देखी हूँ अगल बगल हर जगह, बहुत बहुत लोग इससे परेशान हैं आसपास में, या फिर मैं देखी हूँ समाज में, इसलिए ये टॉपिक रखना ज़रूरी था, आपको गाइड करना ज़रूरी था, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पर लाई हूँ। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय।